सारा में जो आज घटना हुई है कि क्या सर मामला है? ये थाना किसनी के कुकुरचुरा गांव का मामला है। इसमें शिववीर यादव है, ये उम्र करीब 30 साल है। इनके भाई सोनू की कल शादी थी, बारात लौट करके इटावा से आई थी। रात में इन लोगों ने खाया पिया, इसके बाद इन्होंने अपने सगे भाई गुल्लन यादव की और सोनू यादव और उनकी पत्नी सोनी की हत्या की। इसके बाद इन्होंने सौरभ जो इनका बहनोई था, रिश्तेदार भी रुके हुए थे उनकी, और एक दीपक जो इनका दोस्त था, आया हुआ था फिरोजाबाद का रहने वाला, तो ये पांच लोगों की इन्होंने बांका फरसा से हत्या की और इसके बाद इन्होंने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। तो इस तरह से ये पांच लोगों की हत्या किया है। इसके कारणों के बारे में अभी और जानकारी की जा रही है। ये अपनी पत्नी को भी वार किया था, जो डॉली नाम है, उसके हाथ में चोट लगी है, इसको अस्पताल भेजा गया है। और सुषमा है, ये मामी है, इनको भी चोट लगी है, इनको भी अस्पताल भेजा गया है। तो अभी बाकी डिटेल जानकारी और की जा रही है कि किन कारणों से इन्होंने ये घटना की। सर बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि काफ़ी पहले से प्लानिंग कर रहा था ऐसे हादसे की। अब ये तो शादी में, अपने सगे भाई की शादी में आया था, अभी नोएडा में कोई प्राइवेट काम करता था और 20 दिन पहले ही बताया जा रहा है कि घर आया हुआ था। ये जिसकी शादी हुई थी सोनू, ये भी बाहर ही रहता था। तो अभी शादी में सब लोग शामिल हुए थे और क्या विवाद हुआ है, कैसे क्या इन्होंने इस तरह की घटना की है, इसके बारे में और डिटेल जानकारी। क्या पिता भी सर घायल है क्या इसका? नहीं, पिता तो बैठे हुए हैं, पिता के बारे में तो जानकारी नहीं है। पिता माता दोनों लोग सुरक्षित हैं।